अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ शहरयार बट और मेरे साथ मौजूद हैं जिब्रान सरफराज और आप देख रहे हैं सियासत और मईशत की ताज़ा एपिसोड। नाज़रीन, गुज़िश्त हफ्ते पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा हंगामा रही शोर शराबा रहा और काफ़ी अरसे के बाद हमें एक खुशखबरी सुनने को मिली कि पाकिस्तान और IMF का स्टाफ लेवल का मुआहदा तय पा गया। नाज़रीन, इस मुआहदे के लिए हम कोशिशें कर रहे थे पिछले साल नवंबर के बाद से। फिर आपको याद होगा कि एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने पेट्रोलियम पे कुछ सब्सिडी दे दी थी, गैस प्राइसेस कम कर दिए थे, बिजली के प्राइसेस कुछ कम कर दिए थे, जिसके बाद IMF हमसे खफा हो गया था और उसने हमारा और IMF के दरमियान जो प्रोग्राम है उसमें तातुल हो गया था। फिर मौजूदा हुकूमत आने के बाद इन्होंने मुसलसल कोशिश की किसी तरह IMF को रजामंद किया जाए, लेकिन IMF ने पाकिस्तान को नाकों से लकीरें खिंचवा दी। बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को इस बार तको दो करनी पड़ी, जिसके बाद बिलाखिर IMF ने जो है वो हमसे ये प्रोग्राम लिया। इस सिलसिले में बात करेंगे, IMF से प्रोग्राम हमारा हो गया, अब क्या सिचुएशन होगी, पैसे कब तक क्रेडिट होंगे और कब हमारी मार्केट में इससे काम होगा, इससे क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होंगे। जिब्रान, आपको क्या लग रहा है कि जब IMF से मुलाकात होंगे अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हाँ, सबसे पहले तो ये कि अच्छा, एक खतरा जो था बहुत काफ़ी टाइम से लटका हुआ था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा अगर हमें IMF पेमेंट नहीं करता, तो सबसे बड़ी खुशखबरी है कि जो डिफ़ॉल्ट का जो खतरा था वो टल गया है। अब साथ साथ जो दीगर मामला थे, अगर हम बात करें US डॉलर की, तो US डॉलर प्राइसेस काफ़ी बढ़ गए थे, तकरीबन 200, कल भी आपने देखा 200 तकरीबन 11:30 तक इंटरबैंक में काम हुआ है। तो ये चीज़ें जो है, अब उसके जो फ़ायदा जो है IMF से हमारी डील होती है, तो सबसे पहले तो डिफॉल्टर का जो खतरा है वो टल जाएगा। नंबर सेकंड जो है, आपका इकोनॉमी जो है US डॉलर जो है वो पाकिस्तान में काफ़ी बढ़ा हुआ था, तो वो उसके जो प्राइसेस हैं वो नीचे आ जाएंगे पाकिस्तान में जब ये डील होगी। इसके साथ साथ जो एक इकोनॉमी का जो पहिया 6-7 महीने से रुका हुआ था, बहुत स्लोली चल रहा था, तो उसमें थोड़ी रफ्तार में थोड़ी तेज़ी आ जाएगी। जिस तरह आप देख रहे हैं कि अब जो क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो भी काफ़ी नीचे आ गए, $100 के अंदर तकरीबन ही आ चुके हैं, और इसका जो एक अच्छा इकदाम किया हुकूमत ने जो 18 रुपये और तकरीबन डीजल पे तकरीबन 40 रुपये कमी की, तो ये आप देख रहे हैं इसके बेनिफिट भी हैं। मजीद जिस तरह आप देखा कि इंटरनेशनल मार्केट में हम देखें तो पाकिस्तान पे सिर्फ ये दबाव नहीं है, अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें तो जो यूरो प्राइसेस हैं अगर वो डॉलर से कन्वर्जन करें तो वो तकरीबन बराबर आ चुके हैं, तो पहले काफ़ी फ़र्क पड़ता था, तो करेंसी का एक जो है वो एक फ़र्क पड़ेगा। इसके साथ साथ जो दीगर मसाइल हैं उसमें भी जो अब वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि IMF से पाकिस्तान के जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है उसके बाद स्टॉक मार्केट ने इसको पहले दिन वेलकम किया, हमने देखा कि दो बहुत अच्छे सेशन लगे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में। फिर उसके बाद हमने देखा कल काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हफ्ते के आखिरी दिन सेलिंग विटनेस की गई और काफ़ी ज़्यादा प्रेशर नज़र आया, तो काफ़ी लोग इस बारे में पूछे, तो इसकी बुनियादी वजह तो ये थी कि देखें IMF के साथ अभी हमारे स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है, अब ये एग्रीमेंट जाएगा इनके बोर्ड के इजलास में जो कि मतवक्को है अगस्त के सेकेंड वीक के अंदर, और सेकंड वीक के अंदर सारे मामला तय होंगे और ये सारी बातचीत है। जब तक पैसे हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो जाते IMF की जानिब से, तो जब तक हम ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं देख सकते और इन्वेस्टर का इतना कॉन्फिडेंस शायद बहाल नहीं होगा, इसीलिए लोगों ने अपने शेयर्स बेचने को तरजीह दी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीला जानते हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं CEO डारसन सिक्योरिटीज दिलावेज अहमद साहब, और इनसे बात करते हैं मज़ीद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी बस सर, IMF से प्रोग्राम भी हो गया, इतना हम इंतजार कर रहे थे सर, आपको क्या लगता है अब क्या चेंजेस आएंगे पाकिस्तान में? बिल्कुल, IMF का प्रोग्राम जो है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट मीटिंग जो है वहाँ पे होपफुली ये इंस्टॉलमेंट प्लान जो है वो भी रिलीज हो जाएगी। बस मार्केट में हमने देखा है कि इस अनाउंसमेंट को तरह से वेलकम नहीं किया है, कि जैसे हम पिछले काफी देर से जो है IMF एक बस वर्ड की तरह से मार्केट इसको देख रही थी, पर जब स्टेट लेवल एग्रीमेंट जो है वो कंप्लीट हुआ है तो उस तरह का रेस्पॉन्स देखने में नहीं आया है। मेरे ख्याल में इसकी सिंपल सी रीजन ये है कि जितना इसमें डिले और जितना इसमें हमने वेट किया मार्केट में, मार्केट कह रही है कि जब तक चीजें हाथ में रियलाइज नहीं हो जाती तो वो किसी चीज से बिलीव नहीं कर रही। सेकेंड, जो मेजर फैक्टर जो है नॉट वेलकम, उस तरह का वेलकम जो है वो नहीं हुआ है स्टॉक लेवल एग्रीमेंट का, कि हम ऑलरेडी एक हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट जो है उसमें एंटर चुके हुए हैं, और हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट जो है कैपिटल मार्केट जो है वो दुनिया की जो है दुनिया भर की कैपिटल मार्केट में जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो कैपिटल मार्केट जो उसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं होता है, तो सब लोग जो है इक्विटी से जो है फिक्स की तरफ, डेट मार्केट की तरफ मूव करते हैं, तो एक ये भी बड़ी रीजन है।
सर देखिए, आईएमएफ से तो हमारी बातचीत हो गई, काफी जो है सुकून का सांस लिया यहाँ पे, मार्केट ने भी इसको थोड़ा वेलकम किया था, हमने देखा था दो सेशन अच्छे रहते। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में जो हमारी यूरो बॉन्ड यील्ड है वो अभी भी 30% से ऊपर जा रही है, वो नीचे नहीं आ रही, इसकी आप क्या वजूहत समझते हैं? ये सरप्राइजिंग नहीं है आपके लिए? जी बिल्कुल, लैक ऑफ क्लैरिटी, अनसर्टेनिटी, पॉलिटिकल अपहेवल्स एंड जो दूसरे जो कमोडिटी प्राइसेस, तो खैर वहां पर रिलीफ आना स्टार्ट होता है, बट ये कि अनसर्टेनिटी जो है ये किल करती है। और हमारे कंट्री का जो एक अभी आप देखें कि एनवायरमेंट जो है, नो डाउट कि कुछ स्टेबलाइजेशन की फीलिंग जो है लगता है कि 17 जुलाई के बाद जो है वो फर्दर कुछ पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन जो है वो हो जाएगी, बस ये कि अनसर्टेनिटी क्लियर का सेंटिमेंट। और ये जो चीजें हैं, ये जीव जो भी यूरोपियन यील्ड जो है, ये जो दूसरी भी जो फैक्टर्स होते हैं वहां पे रिस्क लेवल को जो है वो बढ़ा देती हैं और यील्ड पे इसका नेगेटिव इंपैक्ट आता है। वेरी ट्रू सर। सर देखें, नियर टर्म में तो हमें लग रहा नहीं कि इन्फ्लेशन नीचे आएगी, इन्फ्लेशन तो 21% पर ही है और जिस तरह से इंटरेस्ट रेट है वो तो नीचे आते हुए लग नहीं रहे, तो आपने जिस तरह से बताया कि इन्फ्लेशन जो हाई इंटरेस्ट रेट है वो मार्केट के लिए बहुत ज्यादा जो है वो खतरनाक चीज है और उसी की वैसे स्टॉक मार्केट इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, तो लग रहा नहीं कि आने वाले दिनों में ये इतना नीचे आएगा, तो आप क्या देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट किस तरह से बिहेव करेगी? देखिए, मैंने बताया कि अभी साइकिल का जो है ये साइकिल हाई इंटरेस्ट रेट का जो है वो चल रहा है, ये पीक आउट कहाँ पे होता है इससे हमें जो है एक क्लोज आई जो है वो रखने की जरूरत है। पीक आउट जो है उसको देखना चाहिए। अभी एक कुछ सिग्नल जो है आप कह सकते हैं कि कमोडिटी प्राइसेस इंटरनेशनल जो है फियर ऑफ रिसेशन एंड हर के इकोनॉमी जो है यूएस कैनेडा जितनी भी इकोनॉमी अक्रॉस द वर्ल्ड जो है दे आर इंक्रीजिंग का इंटरेस्ट रेट इंक्रीजिंग का हायर इन्फ्लेशन जो लास्ट हमने ऑब्जर्व किया पाकिस्तान में, सब जगह पे जो है इन्फ्लेशन के रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक हो रहे हैं। और उस रीजन की वजह से हमारे यहाँ जो है हमारे यहाँ कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर्स भी थे पॉलिटिकल साइड से आप देख लें, और कुछ हमारा जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है, रिजर्व की पोजीशन जो है, ये एक एक्स्ट्रा उसमें चीजें ऐड कर रही थी अनसर्टेनिटी में। तो इन्फ्लेशन अभी कमोडिटी प्राइसेस जो थोड़ा रिलीफ आया है, ऑयल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में वो कम हुई है, बस ये कि अभी भी हमें वेट करना चाहिए कि इन्फ्लेशन के नंबर्स जो प्रिंट होंगे नेक्स्ट मंथ और उसके नेक्स्ट मंथ वो हायर साइड पे आएंगे, और जब तक इन्फ्लेशन के नंबर्स हायर साइड पे आते रहेंगे इंटरेस्ट रेट जो है उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा ही। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो फिर उसका वो नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो हमारी कैपिटल मार्केट से और जो इंटरेस्ट रिलेटेड जो इकोनॉमी है। वेरी ट्रू सर। एक और सरप्राइजिंग चीज हमने जो देखी है कि हमने देखा कि लास्ट क्वार्टर में बावजूद इसके कि पेट्रोलियम प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ी हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ी है, लेकिन ऑटो सेल का जो डेटा आया है वो 54% इंक्रीज आया है, बहुत ज्यादा हम उसमें ग्रोथ देख रहे हैं, तो आप क्या लग रहे हैं कि दूसरे सेक्टर भी इस तरह से सरप्राइज कर सकते हैं या उनमें आप डिक्लाइन देख रहे हैं आने वाले दिनों में? देखिए, यहाँ पे जो है जो एक एक्सपेंशनरी फेज जो चल रही थी हमारी एक, वो अभी जो है वो तो पीक आउट हो गई, जैसे ऑटो सेक्टर का आपने बताया, तो मेरे ख्याल में आगे मूविंग फॉरवर्ड जो है वो इस तरह के नंबर जो है वो हमें अभी जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे। और जहां तक दूसरे सेक्टर्स जो है, इतनी हाई फाइनेंस कॉस्ट आपकी जो है इस लेवल पे चली गई है, रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है, इनपुट कॉस्ट जो है वो सारी बढ़ गई है, तो ओवरहेड जो है वो बढ़ गए हैं, तो जो अर्निंग्स की जो हमने लग्जरी और जो नंबर हमने देखे हैं वो आगे जाते हुए जो है दूसरे सेक्टर्स जो है वहाँ पे भी हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, स्पेशली जो है लैंग्वेज सेक्टर्स जो है वहाँ पे आप देखेंगे इंटरेस्ट रेट जो है फाइनेंस कॉस्ट बैलेंस शीट में देखेंगे तो डबल हो चुकी है, 15% हम ऑलरेडी आ गए हैं, तो इनका लर्निंग से अल्टीमेटली इम्पैक्ट आएगा और जो नंबर जो सेक्टर्स की परफॉर्मेंस हमने प्रीवियस क्वार्टर्स में देखी है वो अभी आगे जो है मेरे हिसाब में हमें जो है उसके लिए तैयार रहना चाहिए कि नंबर जो है वो बोले वो नहीं आ गया। चले, थैंक यू सो मच सर, इंशाल्लाह आइंदा भी आपसे बात होती रहेगी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। थैंक यू जी। जिब्रान, आने वाले दिनों में तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं, कोई बेहतरी गुंजाइश आपको कोई नजर आ रही है इन सारे चीजों में? देखिए, इस दफा हुकूमत की तरफ से एक अच्छी कारकर्दगी आपने देखी गई है कि 18.5 रुपए जो पेट्रोल के जो प्राइसेस हैं वो काफी टाइम बाद उसको नीचे किया गया है, लेकिन इसका जो डायरेक्टली इंपैक्ट है वो आम कंज्यूमर को नहीं मिल रहा। जैसे लेट सपोज कि कोई चीज़ अगर पहले 10 रुपए की थी, पेट्रोल बढ़ने के बाद वो 12 या 15 की करते हैं, अब जैसे ही पेट्रोल दोबारा नीचे आता है वो फिर वो 15 रुपए से नीचे नहीं आती प्राइसेस,
तो पाकिस्तान में चेक एंड बैलेंस का भी एक होना चाहिए इदारा, ताकि जो इसका जो रिलीफ है वो फौरन जो है वो पब्लिक को मिल सके, ना कि जो जो मुनाफा खौर है वो सारा प्रॉफिट वो ले जाते हैं। बिल्कुल ठीक नाज़रीन, इसी मौजू पे हम इंशाल्लाह ब्रेक के बाद दोबारा बात करते हैं, और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे एक और हमारे मेहमान होंगे, उनसे महंगाई और डॉलर की जो बढ़ती हुई प्राइस है इसके ऊपर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन, हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की इकोनॉमी पे और बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से। पेट्रोलियम प्राइसेस गोगे हुकूमत ने कम किए हैं, लेकिन जिब्रान यही बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि एक बार जब प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो फिर नीचे नहीं आते। आपको क्या लगता है जिब्रान, क्या फेलियर है कि प्राइसेस एक बार जब बढ़ जाते हैं तो फिर नीचे नहीं आते? देखिए, पाकिस्तान में जो है वो इसका चेक एंड बैलेंस का एक प्रॉपर एक इदारा नहीं है। अगर वो इदारा है तो फिर वो सही काम नहीं कर रहा। जिस तरह इनको मॉनिटर करना चाहिए, जिस तरह जो 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 प्राइसेस पेट्रोल बढ़ने से पहले जो थे वो प्राइसेस जो बढ़े हैं पेट्रोल बढ़ने के बाद, तो वो उनमें भी फिर कमी भी आनी चाहिए, चेक एंड बैलेंस प्रॉपर होना चाहिए। इसी सिलसिले में हम बात करते हैं कि फारूक डाडी साहब से, जो कि एक इकोनॉमिस्ट भी हैं और साथ साथ पॉलिटिकल इनका रिव्यू भी बहुत अच्छा है, तो नाज़रीन हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फारूक साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। फारूक साहब ये बताइए कि आजकल की जो इकोनॉमी है उसको आप किस तरह देखते हैं? जिस तरह आईएमएफ से जो डीलिंग चल रही है, काफ़ी टाइम से सिलसिला चल रहा था, और एक अच्छी खबर भी आ गई कि जो आईएमएफ जो है वो पाकिस्तान को लोन दे देगा और तकरीबन सारे जो जो प्रॉब्लम्स थे अब इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएंगे। तो आपका क्या रिव्यू है आईएमएफ के हवाले से और करंट इकोनॉमी सिचुएशन के हवाले से? देखिए, ये बड़ी खुशाइन बात है कि एक अरब 17 करोड़ डॉलर का इन्होंने हमारा अभी कर्जा मंजूर किया, जो भी फौरी तौर पर में देंगे, सब्जेक्ट टू देयर अप्रूवल फ्रॉम व्हाट यू कॉल इट, इनकी जो बोर्ड है, जी जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो आईएमएफ के हैं, तो वो उनसे अप्रूवल के बाद ये हमें एंड ओवर किए जाएंगे, ठीक है ना, डिस्बर्स होंगे। अब बात ये है कि हम पिछली गवर्नमेंट में, जो इमरान खान की गवर्नमेंट थी, उसमें आईएमएफ के साथ बहुत अच्छी तरह डील कर रहे थे और बहुत स्मूथली जा रहे थे, लेकिन अब इन्होंने उस वक्त 115 डॉलर पर बैरल जब पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट में, तो यहाँ 150 रुपए लीटर पाकिस्तानियों को पेट्रोल मिल रहा था, अब इन्होंने जब आईएमएफ ने देखा कि इस गवर्नमेंट को पब्लिक सपोर्ट हासिल नहीं है और इन्हें किसी वजह से लाया गया है पब्लिक की मंशा के खिलाफ, तो उसकी बिना के ऊपर उन्होंने बड़ी सख्त शरायत आयद कर दी और हम पे पाकिस्तान के ऊपर, यहां तक कि उन्होंने अब ये भी कहा है कि आप वो जो नैब के केसेस खत्म की या नैब के इदारे को खत्म किया है तो उसको आप रीइंस्टेट कर रहे, उसको दोबारा लेके आए, ठीक है ना। अब मकसद ये कि हमारा जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई 2018 में, तो मुल्क का कुल कर्जा 94 बिलियन डॉलर था, और जैसे इमरान खान ने गवर्नमेंट टेक ओवर की तो 9.2 बिलियन डॉलर की डिमांड आईएमएफ से आ गई कि आपने आपके पिछले कर्जों की मद ने और आपके और के अक्षरात की मद ने आप ये फौरी तौर पे पे करें, जबकि पाकिस्तान के खजाने में उस वक्त नवाज शरीफ की गवर्नमेंट मुश्किल से 8 अरब डॉलर छोड़ के गई थी और 9.2 बिलियन डॉलर देना नामुमकिन से बात थी। बहरहाल इमरान खान ने अपनी क्रेडिबिलिटी के तहत दूसरे ममालिक से, सॉरी, सऊदी अरब और यूएई से 3-3 अरब डॉलर लिए और बाकी जो पैसे बचते थे वो चाइना ने हमारी मदद की और हमने वो 9.2 बिलियन डॉलर आईएमएफ को दे दिए। अब ये कि खान साहब के दौर में जो इकोनॉमी बहुत अच्छी जा रही थी, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही थी, 6% GDP की ग्रोथ हमारी चल रही थी और ये एक्सपेक्टेड था कि हम 7 तक चले जाते, हमारा एक्सपोर्ट का आधा 30 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट थी जो कि एक्सपेक्टेड थी 38 बिलियन तक चले जाएगी, क्योंकि एक्रमा और हमारी जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है वो बड़ी धूम पे थी। और आप देखिए कि किसी भी हुकूमत, अरे आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल सुन रहे सर आप। हाँ, किसी की हुकूमत की कामयाबी जो है उसकी महसूलात से कैलकुलेट की जाती है। जब 2018 में हुकूमत में आए तो उस वक्त जो FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो कलेक्शन था दैट वाज 3,800 बिलियन रुपीज, जबकि 2021-22 का जो हदफ था वो 6,100 अरब डॉलर थे, जिसमें इन्होंने पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा क्या कहते हैं कि 240 बिलियन
रुपीज अपने आदत से ज्यादा 6,100 के आदत से ज्यादा वसूल किए, तो ये बड़ी खुशाइन बात थी और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था। मैंने अपने एक टॉक शो में फोरकास्ट भी की थी, प्रेडिक्शन भी दी थी कि अगले माली साल में हम 8,000 अरब हम वसूल कर सकते हैं FDI की मद में, जिसमें हम नए लोगों को टैक्स डेट में लाए। तो पिछले दिनों मैं इमरान खान की एक तकरीर सुन रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि हमने नादरा की मदद से 4.25 करोड़ नए टैक्स एवं लोगों को हमने डिटेक्ट किया था, जो बड़े बड़े बंगले और लैंड क्रूजर गाड़ियां बाहर की इनकी ट्रैवलिंग फर्स्ट क्लास बिजनेस क्लास में इनकी ट्रैवलिंग थी, तो वो लोगों को हमने किया था। और हमारा एक टारगेट था कि हम 8,000 बिलियन के ऊपर तक हम टैक्स का हदफ रखेंगे, जो आसानी से अचीवेबल था। अच्छा, हमारे मुल्क की बदकिस्मत ये है कि हमारा टैक्सेशन निजाम इतना नाकारा है कि जो हमारे टैक्स कलेक्टर्स हमारे कौमी खजाने में जो पैसे देते हैं उससे ज्यादा पैसा वो अपने घरों को लेके जाते हैं, क्योंकि इस सिस्टम में लीकेज ऑफ रेवेन्यू बेतहाशा है। तो ये और FDI इट्स एक बहुत बड़ा माफिया है, यहाँ पे अच्छे अच्छे लोग नहीं टिक सकते। जैसे आपने शब्बर जैदी का हाल देखा, तो वो भी एज ए वकील लोगों को यही रास्ते दिखा देते कि टैक्स कैसे बचाना चाहिए, और जब वो चेयरमैन FDI बने तो उन्हें जो तकलीफ हुई है और जो परेशानियां हुई है उनको भी रिजाइन देना पड़ा। तो बहरहाल ये एक सिस्टम की खराबियां जो कि वक्त के साथ साथ ठीक हो रही थी, पिछली हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी जा रही थी। मकसद ये था मुझे पूछने का कि अब जो आप क्या समझते हैं कि IMF से लोन के बाद अब इसके जो फायदे क्या क्या हैं और नुकसान क्या क्या हैं? देखिए, IMF ने जो जिन शरायत अब जो शरायत रखी उसमें तो पब्लिक का बेड़ा गर्क हो गया है, आज कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं ना। आप ये बताएं 250 रुपए पेट्रोल एक लीटर, उसने तुम्हारे पूरे सिस्टम को ही उसने चेंज कर दिया। इतना लोगों के पास खाने को नहीं है इस वक्त, तो बहर ये बहुत बुरा किया। होना तो ये चाहिए था कि हमें अपनी आजाद खारजा पॉलिसी रखनी चाहिए और हमें ये नहीं देखना कौन सा मुल्क हमसे खुश हो रहा है और कौन सा हमसे नाराज हो रहा है। होना ये चाहिए था कि हमें अपने रशिया से हम लेते तेल गैस और गंदम 30% तो उन्होंने ऑफर किया था, और एक उम्मीद थी कि अगर इससे प्रॉपरली निगोशिएट किया जाता तो ये 40-45% भी हमें देते और एक साल की हमें पेमेंट की फैसिलिटीज भी देते। तो यहाँ आज पेट्रोल 100 रुपए लीटर आपको मिल रहा होता, अगर 150 तो 100 रुपए लीटर मिल रहा होता, और हमारी इकोनॉमी इतनी अच्छी जा रही थी। मैंने कहा ना कि किसी भी हुकूमत की कारकर्दगी अगर आपने देखनी है तो उसकी महसूलात के निजाम को देखा जाता है, जब उसके महसूलात अच्छे होंगे तो ही आप उस पे उसकी एक कामयाब कहेंगे। तो आपने देखा कि 6,100 अरब का जो पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ FDI का, तो ये क्रेडिट उस गवर्नमेंट को जाता था। और इस गवर्नमेंट ने जो अदर दिया है 7,400 अरब रुपए का, जो कि मैं नहीं समझता कि डॉलर को, आपको क्या लगता है कि जो डॉलर काफी टाइम से नए नए हाई बना रहा है डे बाय डे, तो तकरीबन 200.5-12 तक तो तकरीबन पहुंच गया है। डॉलर तो अभी देखिए जो IMF की किस्त आएगी उससे डॉलर थोड़ा नीचे जाएगा, लेकिन 10-12 रुपए से ज्यादा मैं नहीं समझता कि डॉलर नीचे जाए। एक मिनट रह गया, मेरा नहीं ख्याल है। चले फारूक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा मिलेंगे। थैंक यू। फारूक भाई भी काफी ज्यादा मायूस नजर आए अपनी बातों से, और जिस तरह से उन्होंने अपनी मायूसी का इजहार किया है कि जिस तरह पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ गए हैं, यकीनन बहुत बड़ी हिट है ये आम सार्फिन के ऊपर, क्योंकि 150 रुपए से ऊपर जो हमारा मिडिल क्लास मैन है उसके लिए बिल्कुल भी पेट्रोलियम प्राइसेस जो है ना फीसिबल ही नहीं रही है। आप रोड्स पे देखें बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है। फिर इसके अलावा जो हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो चीजें जो हमारे शहरों में आ रही हैं, जो दूध हो गए, सब्जी हो गए और सारी चीज़ें जो सीमेंट्स आ रही हैं बाहर से आ रही हैं, उसमें 25% तो आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होता है। तो ये सारे मामलात हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन है। उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में अगर इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस नीचे आए तो उसके बाद पाकिस्तान को कुछ राहत मिले। इस हवाले से रशिया यूक्रेन जंग का जितनी जल्द अज जल्द खात्मा हो पाकिस्तान के लिए उतना ज़्यादा बेहतर है।
और इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कुछ कमोडिटी प्राइसेस नीचे आएंगी और पाकिस्तानी कौम को कुछ राहत मिलेगी। आपसे फिर मिलेंगे, जब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।